जैसे अली फ्रॉम मास्टेक, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए दो डिवाइसेस का रिव्यू, जो कि है ओप्पो के F5 यूथ को लेके और हुआवे का Y7 2018। यह दोस्तों Y7 प्राइम 2018 अभी ही रिसेंटली मार्केट में लॉन्च किया गया है। इन मार्च 7 अप्रैल को ये आपको अवेलेबल मिलेगा मार्केट के अंदर। और F5 यूथ जो है वो 4 महीने पहले लॉन्च किया गया था ओप्पो की तरफ से, 3 GB और 32 GB का वेरिएंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनके डायमेंशन का, इनके बैटरी का और इनकी स्पेक्स का और थोड़ा बहुत कैमरे का रिव्यू का। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर ये मेरी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर मेरी तमाम रिव्यूज की वीडियो नोटिफिकेशन बार मिल सके। मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके प्रोसेसर से। तो ओप्पो F5 में आपको मिलता है प्रोसेसर MediaTek का हार्डवेयर मिलता है, आपको मिलता है प्रोसेसर जो मिलेगा हीलियो P23 मिलता है, 2.5 ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा जो कि GPU के साथ आता है माली G71 MP2 के साथ। और अब बात करते हैं Y7 प्राइम 2018 की, तो इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 430 का जो कि आता है 1.4 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और एड्रीनो 505 का आपको इसमें GPU देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, तो ओप्पो F5 यूथ में आपको डिस्प्ले मिलता है 6 इंचेस का जो 18:9 की रेशो में आता है, और इसके अंदर आपको जो बॉडी इंटू स्क्रीन रेशो मिलती है वो 78% मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पिक्सल सपोर्ट करता है वो करेगा 1080x2160 के पिक्सल, और PPI जो इसके मिलेंगे आपको 402। अब बात करेंगे Y7 Prime 2018 की, तो इसके अंदर आपको 18:9 का 5.99 इंच का डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर बॉडी इंटू स्क्रीन रेशियो जो होगा वो होगा 76.3%। इसका जो पिक्सल आपको मिलेंगे, PPI जो मिलेगा वो मिलेगा 269 का, और इसके अंदर जो आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 720x1440 पिक्सल की। जी हाँ, ओप्पो F5 होगा HD फुल HD डिस्प्ले, और जो Y7 2018 है ये आपको मिलेगा नॉर्मल एक HD डिस्प्ले में। या दोस्तों अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ओप्पो F5 में आपको मिलता है 7.1.1 नोगेट, लेकिन इसके ओरियो की अपडेट भी आ गई है, इसमें फेशियल अनलॉक भी आपको मिलता है। और अब बात करेंगे Y7 2018 की, तो इसके अंदर आपको अनबॉक्स करते ही मिलेगा 8.0 ओरियो आपको इसके अंदर मिलने वाला है। और अब बात करते हैं, इसके अंदर भी आपको फेशियल अनलॉक मिलेगा। फ्रंट साइड की अब बात करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा फ्रंट साइड पर ओप्पो F5 में मिलेगा आपको 20 MP का कैमरा जो कि अपर्चर सपोर्ट करता है 2.0 का। इसके अंदर आपको LED लाइट फ्रंट पे देखने को नहीं मिलती, इसका डिस्प्ले का ही LED लाइट होगा। अब बात करते हैं Y7 2018 के फ्रंट कैमरे की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 8 MP का सेल्फी शूटर जिसके अंदर हुआवे ने कहीं भी अपना मेंशन नहीं किया कि ये किस अपर्चर पे आता है। और एक मिलेगी LED लाइट फ्रंट साइड पर जो कि बहुत ही सॉफ्ट लाइट है, डार्क नाइट में प्रॉपर काम नहीं करती। अब स्टार्ट करते हैं दूसरों इसके रियर कैमरे की बात को, तो सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो F5 में रियर साइड पर आपको जो कैमरा देखने को मिलता है वो मिलता है 16 MP का जो कि अपर्चर 2.0 के साथ आता है। एक साथ इसके आपको LED लाइट मिलती है। और अब बात करते हैं Y7 2018 की, तो आपको एक कैमरा मिलता है 13 MP का, डेप्थ फैक्ट का कैमरा जो मिलेगा वो मिलेगा 2 MP का, लेकिन इसमें अपर्चर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया और साथ ही LED लाइट देखने को मिलेगी। आपको ओप्पो F5 में फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलता है रियर साइड पर, और एक एल्यूमिनियम टाइप केस है, लेकिन ये भी प्लास्टिक केस में मिलेगा आपको, ये एल्यूमिनियम केस नहीं होगा, लेकिन लुक काफ़ी प्रीमियम देता है। बात करते हैं Y7 2018 की, तो इसकी भी रियर साइड पर आपको फिंगरप्रिंट लॉक मिलेगा, और इसके अंदर आपको जो केस मिलता है वो टोटली प्लास्टिक केस है। इसके अंदर आपको कोई मेटालिक स्टफ नहीं मिल रहा होता, बहुत नॉर्मल सा स्टफ है। साइड्स की बात करेंगे तो ओप्पो F5 में आपको साइड्स पर मिलने वाला है क्रोम, जो कि सैमसंग का पुराना ट्रेंड था कि साइड्स पर क्रोम दिया जाता था। नॉर्मली पुराने फोन्स में बहुत सारा क्रोम आता था, लेकिन इससे आपको सिर्फ क्या प्रॉब्लम आने वाली है कि ये बहुत जल्दी ही आपको कोई ना कोई रफ कंडीशन में मिलने वाला है अगर आप इसको कवर नहीं करते। ओप्पो F5 की बात करेंगे तो टोटली आपको एजेस प्रॉपर मिल रहे होते हैं, इसमें काफ़ी लुक प्रीमियम मिल रही होती है। अब इसकी बात करेंगे तो ओप्पो F5 में आपको तीनों स्लॉट्स देखने को मिलती हैं, आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और दो सिम्स और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और Y7 2018 में भी आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाती है, आप दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके ऑल ओवर रिव्यू की, तो इसके अंदर दोनों के अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 2.0
कि जो कि दोनों ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते। ओप्पो एफ में आपको मिलती है 3200 mAh की बैटरी और वाई 2018 में आपको मिलती है 3000 mAh की बैटरी। सो गाइज ये थी स्पेसिफिकेशन, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत पिक्चर्स को। नाइट मोड की सेल्फी की बात करेंगे तो दोनों में ही आपको बहुत सारा नॉइस नजर आएगा, दोनों ही नाइट मोड में डल हैं। जी हाँ दोस्तों, वाई 2018 के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एलईडी लाइट चला के आपको काफ़ी हद तक डल कलर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर देखा जाए तो ओप्पो F5 का भी रिव्यू देंगे आपको इस वीडियो के बाद, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ओप्पो F5 बेहतर है या वाई 2018। जी हाँ दोस्तों, सेम पोजीशन पर ही हम F5 से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वाई 2018 का फ्रंट रिकॉर्डिंग आपको दिखाई। ओप्पो में काफ़ी बैलेंस कलर है और वाई 2018 का ना तो रियर कैमरा काम का है ना ही फ्रंट कैमरा। तो अगर मैं रियर अपना नाइट मोड में अगर लो लाइट में नंबर्स दूंगा तो ओप्पो F5 को नंबर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि इसके फ्रंट पर आपको फ्लैश लाइट नहीं मिलता, लेकिन डिस्प्ले की लाइट बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट LED लाइट के जो कि मिलती है आपको Y7 2018 में। तो ओप्पो को फ्रंट साइड पर मिलते हैं 10 out of 7 नंबर और Y7 2018 को मिलते हैं 2 नंबर्स फ्रंट कैमरे में नाइट मोड में। या दोस्तों, हम रियर कैमरा ओप्पो F5 और Y7 2018 से रियर कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि F5 में आपको कलर्स बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं, बहुत लो लाइट है। और अब बात करेंगे Y7 2018 की तो आपको कलर बहुत ज़्यादा डल नज़र आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अगर ऑब्जेक्ट के फोकस की बात करेंगे तो आपको दोनों ही फ़ोन ओप्पो F5 बहुत जल्दी आपको वो फोकस न करता हुआ नज़र आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू Y7 2018। तो रियर कैमरे में ओप्पो F5 को मिलेंगे 10 out of 9 नंबर और Huawei Y7 2018 को मिलेंगे 10 out of 5 नंबर। दोस्तों बात करेंगे सेल्फी कैमरा की डे लाइट में, तो डे लाइट में आपको ओप्पो बहुत अच्छी रेजोल्यूशन दे रहा है क्योंकि 20 मेगापिक्सल का कैमरा है। Y7 कुछ कम नज़र आया, कलर डल नज़र आए और बैक पर बहुत ज़्यादा नॉइस नज़र आया क्योंकि ओप्पो में 20 मेगापिक्सल का है और इसका 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो डिफरेंस थोड़ा बहुत बनता है। अब बात करते हैं रियर साइड कैमरे की, तो आपको बहुत अच्छे ही दोनों में कलर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर फोकस देखा जाए तो ओप्पो के अंदर आपको तस्वीर जो पिक्चर है उस पर एजेस आपको प्रॉपर नज़र आ रहे होंगे, Y7 2018 में नहीं। या दोस्तों, ये था रिव्यू ओप्पो F5 यूथ का और Huawei का फोन है Y7 2018। जी हाँ दोस्तों, Y7 Prime 2018 आपको पता है कि अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ। हमने आज की वीडियो में आपको थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन का डिफरेंस बताया और कैमरे का रिव्यू दिया आउटडोर इंडोर लाइट में। मेरे ओपिनियन जाएंगे ओप्पो F5 की तरफ। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं एक अच्छी डिवाइस तो आपको ओप्पो को मॉनिटर करना चाहिए। ओप्पो ऑल ओवर आपको कैमरा बहुत अच्छा दे रहा होता है, बैटरी बहुत अच्छा दे रहा होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।